हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम लोग पिछले वाले वीडियो के ही कंटिन्यूशन में ऊप्स के फीचर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेटा हेडिंग और इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा था। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा क्लास के सिंटेक्स और क्लास के कॉन्सेप्ट को या और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस में क्लास कैसे बनाते हैं या कैसे दिखती है। क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। यहां पे आता है क्लास का नेम और फिर यहां पे हम लोग विजिबिलिटी मोड मेंशन करते हैं, फिर मेंबर डेटा वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन होगा, अगेन विजिबिलिटी मोड दोबारा लिखा जाएगा, देन मेंबर फंक्शंस डेफिनेशंस को यहाँ पे हम यानी कि फंक्शंस को हम यहाँ डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की लिस्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होता है। This is the basic syntax of class. Class is a keyword. इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे, पर अभी क्योंकि हमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि C++ में जब हम कोडिंग करेंगे तो हम क्लासेस का यूज काफ़ी लेवल पे करेंगे। तो क्लास दिखती कैसे है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक ग्लिम्स कि क्लास का यहाँ पे नेम आता है। विजिबिलिटी मोड हमारे तीन तरीके के होते हैं, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जिसमें प्राइवेट हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। इन तीनों के अपने मतलब है, प्राइवेट के, पब्लिक के, प्रोटेक्टेड के। जैसे अभी हम प्राइवेट एंड पब्लिक देखते हैं, तो प्राइवेट अगर हम रखते हैं तो डेटा मेरा क्लास के बाहर उपयोग नहीं होगा, ये मेरी क्लास की पूरी बाउंड्री है, इसके बाहर उपयोग नहीं होगा। दैट इज बेसिकली हाइडिंग भी कॉन्सेप्ट बताता है कि डेटा को कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन मोड में रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम डेटा को आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं दिखाते, उतनी ही चीज दिखाते हैं जितना हमें रिवील करना हो। डेटा हाइडिंग बेसिकली टू हाइड द इंटरनल डिटेल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन जो भी हमने देखा था, तो हमने देखा था कि भाई बाइंडिंग अप, रैपिंग अप ऑल द मेंबर्स विद इन अ क्लास बाउंड्री। तो ये मेरे मेंबर है, मेंबर डेटा वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने क्लास बाउंड्री के अंदर। दैट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन, राइट। अब लेट से ये क्लास ए है मेरे पास, एक क्लास मैंने और बनाई, नई क्लास बनाई बी। ठीक है, तो अगर बी ने कुछ प्रॉपर्टी ए की एक्सेस करनी है, यानी कि ए के पास कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज, ऐसे फंक्शंस हैं जो बी को भी चाहिए, तब बी इस बात का डिक्लेरेशन करेगा कि ए मेरा पेरेंट है। ऐसा क्यों करेगा वो? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसको ए की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। मान लेते हैं कि ए के पास कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। एक नई क्लास बनती है बी, अब बी कहता है कि मेरे को वही फंक्शन दोबारा बनाना है, तो एक तरीका ऊपर से कॉपी पेस्ट किया जाए, दूसरा तरीका रीराइट किया जाए, दोनों ही केस में टाइम लगेगा और स्पेस कंज्यूम होगा। तीसरा तरीका है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। इनहेरिटेंस, अगर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखें तो इनहेरिटेंस हमको क्या कहता है? इनहेरिटेंस को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है रीयूज एबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब रीयूज एबिलिटी ऑफ द कोड का मतलब क्या है कि जो कोड हमारे पेरेंट ने बना दिया है हम उसका यहां पर केवल रीयूज करेंगे। बट टू बी मेक श्योर कि बी को बताना पड़ेगा कि मेरा पेरेंट कौन है। ए एज एन पेरेंट नहीं बताएगा कि मेरी प्रॉपर्टी एक्सेस करो, बी को चाहिए तो बी घोषणा करेगा इस चीज की कि मेरा पेरेंट ए है। और जैसे बी घोषणा करेगा उसके तरीके है, सिंटेक्स है, तो ए की प्रॉपर्टी बी के पास एक्सेस हो सकती है
और बी उसी प्रकार से उसका उपयोग करेगा जैसे उसकी अपनी खुद घर की प्रॉपर्टी हो। यानी कि ए की प्रॉपर्टी अब बी की प्रॉपर्टी बन जाएगी इन सम एक्सटेंट, उसके भी नियम है तो वो देखेंगे, इनहेरिटेंस का पूरा चैप्टर है हम देखेंगे बहुत बड़ा। तो उसमें हमारे पास जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो नीचे चाइल्ड एक्सेस करेगा, यानी कि ये जो ए है मेरा उसके इसमें कहलाएगा पेरेंट या बेस क्लास, और जो बी है हमारी वो कहलाएगी चाइल्ड या डिराइव क्लास। ऐसा होने से बी को वो प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी और बी उसको रीडिफाइन नहीं करेगा। दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। दिस इज द अल्टीमेट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस के अंदर आपने 100 लाइनें लिख दी लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी तो कोई लाभ नहीं है, बिकॉज दिस लाइन स्टेट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट व्हाट एक्चुअली इनहेरिटेंस मींस, राइट। तो अब ऐसे क्या हम दो क्लासेस के बीच में ही कर सकते हैं? नहीं। इनहेरिटेंस ने हमें कुल 5 तरीके के स्टैंडर्ड सिंटेक्स दिए हैं इनहेरिट करने के, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल और हाइब्रिड। इनके एक एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लास जैसे ये बनी, इसके नीचे क्लास और बनेगी। ऑलवेज क्लास जो पेरेंट होगी वो ऊपर बनेगी और नीचे चाइल्ड बनेगी, ठीक है। तो अब इनके सिंटेक्स वाइज हम देख लेते हैं कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहां देखिए तीन क्लासेस है, तो ए जो है वो सी की ग्रैंड पेरेंट है, सी ग्रैंड चाइल्ड है, बी पेरेंट है सी की लेकिन ए की वो चाइल्ड है, इसलिए इसको यहां पे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट बेस क्लास, इंटरमीडिएट बेस क्लास, जो पेरेंट भी होती है चाइल्ड भी होती है। दिस इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ सी एंड दिस इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए। This is multi-level inheritance. Now A and B both are independent. Now C want to access the data of A as well as B. तो हम एक से अधिक क्लास को भी पेरेंट अगर डिक्लेयर करना हो तो अपनी क्लास के लिए हम कर सकते हैं कि A का A और B दोनों की प्रॉपर्टी हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, डेली लाइफ के भी एग्जांपल देखेंगे। दैट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट। इसके बाद हमारे पास आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कि ए की प्रॉपर्टी बी भी एक्सेस करना चाहता है और सी भी एक्सेस करना चाहता है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। तो ये हमारा कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और एक हम दोनों का कंबाइन कर लेते हैं, ए की प्रॉपर्टी बी के पास भी जा रही है एज वेल एज सी के पास भी जा रही है, और डी कहता है कि मेरे को बी एंड सी की प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस केस में इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। और इसमें ए की प्रॉपर्टी डी के पास भी जाएगी और एक प्रॉब्लम भी उसमें हम देखेंगे जिसको हम वर्चुअल बेस क्लास से सॉल्व करेंगे। तो आगे है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा तरीका है, ये चौथा तरीका है और ये पांचवा तरीका है इनहेरिटेंस करने का। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अलावा कोई छठा तरीका नहीं हो सकता या सातवां तरीका नहीं हो सकता। ये आपके प्रोजेक्ट और आपकी रिक्वायरमेंट पे प्योरली डिपेंड करता है। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं कि ऐसे इनहेरिटेंस आप कर सकते हो। अगर आप इसको मिला के या इन दो को मिला के या इन दो को मिला के कुछ करना चाहो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इतने तरीके से ही इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा, ठीक है। तो इतने ये सब जो ए बी सी डी ई की फॉर्म में आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर द क्लासेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी बी भी एक्सेस करेगा, सी भी एक्सेस करेगा, लेकिन बी और सी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ए और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सी एक्सेस करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप दो डिग्रीज लेते हैं ग्रेजुएशन की, एक यूनिवर्सिटी से, एक दूसरी यूनिवर्सिटी से, आइडली ये वैलिड नहीं है,
बट इफ यू आर टेकिंग टू डिग्रीज फ्रॉम टू अदर अनदर यूनिवर्सिटीज, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, तो आप इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट इसके एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, जैसे बच्चा थ्योरी के एग्जाम देता है, प्रैक्टिकल के देता है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल को मर्ज करके हमारा रिजल्ट जनरेट हो रहा है, वट एवर, वो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ ग्लिम्स इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को, कि ये जो फीचर इनहेरिटेंस का, ये C++ में हम प्योरली हैंडल करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये हमारे ऊप्स का बहुत बढ़िया फीचर भी है। और अब देखते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, पॉली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वन थिंग इन मैनी फॉर्म। वन थिंग इन मैनी फॉर्म मीन्स, जैसे मिल्क है, अब मिल्क अगर चाय में चला जाता है या कॉफ़ी में चला जाता है, तो हम वहाँ पे ये नहीं बोलते चाय या कॉफ़ी पीते हुए कि हम मिल्क ले रहे हैं, ठीक है। मिल्क अगर शेक में चला जाता है, आइसक्रीम में चला जाता है, कर्ड में चला जाता है, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मिल्क ले रहे हैं। बट ये मिल्क जहाँ जहाँ जा रहा है, उसकी फॉर्म वहाँ पे बदल रही है। दैट इज ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, और इसको हम C++ में दो तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज अर्ली बाइंडिंग कॉन्सेप्ट और लेट बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोगों ने जो पढ़ना है, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ये फीचर भी है C++ का, ओवरलोडिंग, और दूसरा है ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, हल्का सा समझा देता हूँ। जैसे एक ही प्रोग्राम में आपने, एक ही क्लास में आपने मल्टीपल फंक्शंस बना रखे हैं, जिनके नाम आपने सेम रखे हैं, ऑल्दो उनके आर्ग्यूमेंट्स या रिटर्न टाइप या सिग्नेचर्स डिफरेंट है, जिनके नाम सेम है, उनका काम, जिनका काम सेम है, उनका नाम भी सेम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लोन, फिक्स लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मान लीजिए कंज्यूमर लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे अलग अलग लेवल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या मैं बोलूँ कि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का, तो तीनों के नाम मैंने अलग अलग रखने की जगह पर एक ही नाम रख दिया, एरिया एरिया एरिया। हाउ एवर, इनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेट, तो व्हेन वी कॉल इट, हाउ इट कॉल्स, हाउ इट इम्प्लीमेंट्स, तो वो हम फंक्शन ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट में समझेंगे। ऑपरेटर आपने पढ़े हुए हैं सी लैंग्वेज में, उन्हीं ऑपरेटर्स को हम फंक्शन के रूप में तब्दील करते हैं ताकि उनके नए मीनिंग्स निकाल सके, वो क्या होता है, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट इन दोनों, ये दोनों चीज़ें अर्ली बाइंडिंग के केस में आएगी, और लेट बाइंडिंग के केस में हम एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ते हैं, दैट इज़ वर्चुअल फंक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला भी है। रन टाइम पे वी विल डिसाइड कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है और कौन से को कॉल नहीं करना बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। तो लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे फीचर्स होते हैं। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाउ मेनी फीचर्स इन ऊप्स की बात की जाए, तो यू हैव टू मैंशन ओनली 3 फीचर्स, दैट इज डेटा हैंडलिंग, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी फीचर्स हैं, बट ये इसके अंदर आते हैं, दीज आर नॉट द मेन फीचर्स। अगर आपसे पूछे ऑल फीचर्स बताओ, देन यू कैन से लाइक मैसेज पासिंग, लाइक वी पास एन आर्ग्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देन यू कैन मैंशन ऑल व्हेन यू आर टोल्ड टू से कि सारे फीचर्स बताओ, तो आपको सारे बताने हैं। अगर मेन फीचर बताए तो 3 है, डेटा हेडिंग कैप्सुलेशन इज द नंबर 1, नंबर 2 इज इनहेरिटेंस, नंबर 3 इज पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट। अब अगले लेक्चर से हम लोग बेसिकली प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के कॉन्सेप्ट में हमारा C++ की सीरीज में ये लेक्चर जो हमारा एंड हो रहा है, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ C++, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स क्या है, और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऊप्स क्या होता है, ऊप्स के फीचर्स क्या होते हैं। ये तीनों फीचर जिस भी लैंग्वेज के अंदर मर्ज कर दिए जाते हैं, वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली, फ्लेवर वाली हो जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाती है, राइट। सी लैंग्वेज के अंदर हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया, तो सी लैंग्वेज विद ऊप्स जब कॉन्सेप्ट आया, क्लासेज विद सी आया, तो फिर वो बन गया C++। बट मेक श्योर कि C++ is not purely object-oriented language, it is a partial object-oriented language. Partial object-oriented का मतलब होता है कि ये language fully object-oriented नहीं है, यहाँ पे बिना classes and objects के भी program बनाए जा सकते हैं, लेकिन Java
जावा जब आप पढ़ेंगे तो जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बिना आप प्रोग्राम्स नहीं बिल्डअप कर सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में यू कैन डू। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज ना करें तब भी हम अपने प्रोग्राम को ईजिली बना सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन वी कॉल सी प्लस प्लस एज पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।